आज हमारा आज का प्लान है कुछ, हम लोग कहीं और आए घूमने, फैमिली वेकेशन, फैमिली के साथ में मम्मी पापा आ गए। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई होप आप सभी लोग अच्छा करें। सो यार, हम लोग आज आए हैं बराबर, एक जगह है जहानाबाद से थोड़ा कुछ दूर में, बिहार में। सो काफ़ी फेमस जगह है एंड माउंटेन्स एरिया है, तो आपको पता है मुझे माउंटेन्स बहुत पसंद है। सो हम लोग आज आए, कल हम लोग काम ख़त्म हुआ है, सडनली हमारा फैमिली वेकेशन बन गया कि चलो घूम के आते हैं। हमारे घर से पटना से यही करीब 100 किलोमीटर दूर है। सो या आज हमारे सामने बहुत खूबसूरत नज़ारा है। थोड़ा सा डे मॉर्निंग में, सुबह में डे अच्छा था, मॉर्निंग में सुबह में बहुत सही था, आई मीन बादल छा रखा था, बट अभी थोड़ा सा चेंज हो चुका है क्योंकि अभी आप देख सकते धूप निकल गया और मेरे सामने व्यूज़ देखिए। सो या लेट्स गो, आज का दिन अच्छा होगा, आज हम लोग साथ में चलेंगे और आज अच्छा डे स्पेंड करेंगे। सो ये फेमस है, यहाँ पर एक मंदिर है जो बहुत पुराने समय का है, एंड तो वही हम लोग देखने आए हैं। एंड अभी चलते हैं, देखते हैं मेरे सामने, देखो आप व्यूज़ देखो कितनी अच्छी व्यूज़ है। सो या बिहार में इस एरिया में, गया में, राजगीर में पाओगे तो आपको बहुत अच्छा व्यूज़ मिलेगा। एंड इधर माउंटेन्स है तो मुझे माउंटेन्स बहुत पसंद है, तो अभी चलते हैं, कुछ दूर की दूरी है यहाँ तक गाड़ी आता है, तो हम लोगों ने यहाँ तक अपना गाड़ी लगा दिया। एंड अभी कुछ दूर पैदल चलना है क्यों, सो या अभी कुछ दूर पैदल चलना है, हमारा गाड़ी इधर ये साइड में लगा दी है एंड कुछ दूर का पैदल है। तो बेसिकली क्या है, ये गुफा है, जरासंध का आपने नाम सुना होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो हाँ, तो कुछ ऐसा ही है कि उन्होंने ही मंदिर वंदिर बनाया था, तो पहाड़ पे मंदिर है भोलेनाथ बाबा का। नहीं, इस इलाके वाले लोग कहते हैं। हाँ, मतलब मुझे हिस्ट्री जानकारी नहीं है, मैं आपको आगे बता दूंगा जैसा होगा, देख के गूगल करके, या आप गूगल करके देख लेना। बट हाँ, यहाँ पर गुफा में मंदिर है भोले बाबा का, सो काफ़ी फेमस है, लोग आते हैं। एंड हिली एरिया है तो इसलिए भी ज़्यादा लोग आते हैं, अच्छा लगता है। अभी सबसे मुझे अभी जो मौसम में चल रहा है ना, समर एंड विंटर छोड़ के जो भी रेनी सीजन चल रहा है, इसमें आने में सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि अभी क्या होता है आपको कि हर जगह हरियाली दिखती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। एंड अभी आप देख भी सकते हो हर जगह हरियाली है, तो माउंटेन में आप आओ और अभी हरियाली, दो माउंटेन में आप दो सीजन में आओ सबसे बेस्ट लगता है, एक तो विंटर एंड एक रेनी। आप अगर माउंटेन एरिया में गर्मी में आते हो समर में तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो अभी चलते हैं, 500 मीटर या 600 मीटर है पैदल चलना है, सो अभी चलते हैं एंड वहाँ पहुँचते हैं, फिर आपको वहाँ दिखाते हैं कैसा है क्या है। सो शायद आगे मंदिर दिखने लगा है, कुछ दूर और है तो चलते हैं। सो अभी हम लोग रास्ते में और जा रहे हैं, कुछ और ये पानी आ रही है इधर से, सो मैं भी आराम आराम से जाने पर, वरना भीग जाएंगे। सो शायद वो जो आपके सामने माउंटेन दिख रहा है ना, उसके ऊपर जाना है। एंड सबसे पहले तो ये क्रॉस करना बड़ी मुश्किल बात है भाई, कांटे वाले पेड़ इधर, जैसे राम ये देख सकते हो आप कितने, इधर थोड़ा सा रोड खराब है, पानी है। वाटर प्रूफ शूज है, मेरा तो नहीं है। ओ क्या करे, एक मिनट में इसको क्रॉस करता हूँ। ये तो को भाई ये हाल हो गई, अपने जूता खोल दिए हैं, अभी रास्ता क्लियर है, अभी रास्ता हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। पहन लो भाई साहब सीधा से, तो जूता पहनेंगे नहीं, सीधा से ऊपर जाएंगे तो पहनेंगे। पीछे देखो कैसे साइकिल लेकर आना चाहिए, तो मुझे भी है ना यार, इधर आने में बहुत मज़ा आता है। मतलब हमारे माता पिताजी आगे चल रहे हैं, मम्मी पापा आगे, चले जाओ तुम लोग। सो हाँ, ये अभी कच्चा रास्ता, इधर गाड़ी आ ही नहीं सकती है, तो थोड़ा सा हम लोग जो गाड़ी उधर लगाए थे ना, और इधर ला कर रख दिए, लगा दिए। अभी चल रहे हैं, हालत ख़राब हो गई क्योंकि धूप है बहुत ज़्यादा यार, जैसे जैसे दिन ऊपर क्योंकि आफ्टरनून होते जा रहा है ना, तो और धूप ऊपर रखते जा रही है, और अपने को पता नहीं अभी कहाँ तक जाना है, मे बी शायद और आगे तक जाना है, 500-600 मीटर है, देखते हैं। तो सडनली प्लान बना था, देखो काम नहीं होगा, वो देखो फिर वहाँ भी ऊपर चढ़ना है, शिट यार हालत ख़राब हो जाएगी हमारी। अभी हम इधर कोई है नहीं, तो मैंने मास्क निकाल दिया, मतलब कोई है ही नहीं तो चलते हैं ना बिना मास्क निकाल कर। और सभी लोग देखो आप पूजा करके आ रहे हैं, तो भी जो भी जा रहे हैं सारे लोग पूजा करके आ रहे हैं, हम भी पूजा करेंगे। या मैं चढ़ के बात करता हूँ क्योंकि आप लोग ये देख ही चुके हो। सो ये देखो कितना स्लो पे ऊपर चढ़ना है, एंड अभी आगे भी लेट्स। सो अभी हम लोग
इतना ऊपर चढ़ गए हैं। और ये देखो रास्ता, ये देखो रास्ता, और अभी और ऊपर जाना है। हमें हालत पतली होने लगी यार, देखते भी चढ़ना तो है। अभी यहाँ से रास्ता सब पहाड़ी है, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। मुझे लगा 500-600 मीटर होगा, बट अभी कोई आइडिया नहीं कितना दूर और है। लोग आ रहे पूछा करके, सो अभी देखते हैं। और मे भी शायद 500 या 600 मीटर और होगा। एंड ये जो होगा वो एकदम कठिनाई भरी रास्ता होगा। शिट, लेकिन वर्थ इट आना यार। व्यूज़ देखो, आखिर व्यूज़ देखो। सो ये लोग जा रहे बोल बम करते हुए, क्योंकि अभी सावन का मंच चल रहा है, आप लोगों को पता है। एंड सावन में लोग जाते हैं, ऐसा बोला जाता है कि भोले बाबा का ही त्यौहार होता है। एंड सावन में सबसे ज़्यादा लोग जल चढ़ाने जाते हैं। सो अभी ये भी भोले बाबा का ही मंदिर है, और ये सारे लोग बोल बम करते हुए जा रहे हैं। बीच बीच में रुक के मैं रेस्ट ले रहा हूँ और अभी चल रहा हूँ। सो कुछ लोग उधर भी है, ये डाउन है, मुझे लगता है अभी और आप भी जाना है। लेट्स गो, चलते हैं। सो हम लोग वहाँ से आ रहे हैं और अभी तक यहाँ तक आ गए हैं, और अभी जा ही रहे हैं। रास्ता बहुत मतलब ठीक है, अच्छा है, फिसला नहीं है कुछ। और कुछ लोग देखिए पूजा करके आ रहे हैं। सो अभी हम जा ही रहे हैं, और हमारे मम्मी पापा आगे कल जाते भी। सो यह एक रुकने की जगह है, यहाँ से व्यूज़ देखिए आप, बहुत अच्छा व्यूज़ है। बट अभी रुकेंगे नहीं, क्योंकि अभी बहुत ऊपर जाना है और चलते रहेंगे। ऐसा बोला जाता है कि यार 200-300 मीटर और ऊपर है, क्योंकि ऊपर एक वो गुफा बताया जाता है कि गुफा में बनाया हुआ है, और बहुत लोग पूछा करके आ रहे हैं। सो अभी चल रहे हैं, अभी ऐसे ही अपनी हालत ख़राब हो गई है। एनर्जी लेवल लो हो गई, क्योंकि लिटरली क्या होता है ना कि आप बहुत दिनों बाद वर्कआउट में कर नहीं रहा हूँ, आजकल कोई भी वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा घर में ही रहता हूँ। पर तो उसके कारण आप सडनली किसी दिन निकलोगे तो प्रॉब्लम तो होनी है। सो भी शायद इतना ही और चढ़ना है, सो में भी इतना ही और चढ़ना है, और ये रास्ता जाएगा बाबा का तो चलते हैं, देखते हैं रास्ता है। कुछ लोग ऊपर जा चुके हैं, पीछे पूछ रहे थे कि क्या है भाई, पहले वीडियो, तो चढ़ते हैं यार जल्दी जल्दी। सो अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा यार, ख़त्म ही नहीं हो रहा, पता नहीं कितना ऊपर और है। और यहाँ मेरा हालत सच में डाउन हो चुका है। बड़े यहाँ से व्यूज़ देखो, शायद दिख रहा है कि नहीं आपको नीचे यहाँ से माउंटेन्स। अभी हम लोग ऊपर चढ़ते चढ़ते आए, शायद सबसे अप पे है, सबसे ऊपर है चढ़ने के लिए। एंड ये बीच बीच में रुकने के लिए, अभी मैं दो बार रुक चुका हूँ, और मम्मी पापा भी रुक चुके थे जो आगे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स हाँ यहाँ से देखो आप व्यूज़ देखो कितनी अच्छी है यार, ये देखो वाह। सो या चलते, वरना मैं ही पीछे हो जाऊँगा वीडियोज़ बनाने के लिए। आज ही हम लोग एक दिन का ही प्लान है, आज ही हम लोग लौट भी जाएंगे। एंड चले थोड़ा सा सोचे घूम लेते, बहुत दिन हो गए कहीं गए नहीं। आप लोग भी, मैं ऐसी वीडियो डाल रहा था, वो भी वीकली डालता हूँ। सो या वाह, तो मैं सोचा डाल लेता हूँ कुछ एंड चलता हूँ। अभी तो और अब जा रहा तो और हालत ख़राब हो, चलते। सो अभी भी हम लोग नहीं पहुँचे हैं और रास्ते में हैं, और ये देखो कितना नीचे आ गया। वहाँ से हम लोग ये साइड जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ तक आ चुके हैं। एंड मौसम कुछ ज़्यादा बेटर नहीं किया है, बस थोड़ा सा और ऊपर है, शायद थोड़ा सा और ऊपर है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग टॉप पे हैं। एंड यार उस माउंटेन से कंपेयर करो तो मे भी शायद हम लोग थोड़ा सा नीचे हैं, वैसे टॉप पे ही है। अपना वो साइड गाड़ी लगा हुआ वहाँ नीचे, प्रॉब्लम ये है कि शायद नीचे जाने में इतना भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर चढ़ने में सांस फूलती है, बट नीचे जाने में नहीं। सो होपफुली नीचे हम लोग जल्दी चले जाएंगे। एंड यार अभी ऊपर चलते हैं, पहुँचते हैं, पहुँच के बात करते हैं। तब तक आप लोग ये व्यूज एंजॉय कीजिए।